ओम जो मंत्र है, उसमें अगर आप देखना चाहो तो शिवजी को भी देख सकते हो उसमें अगर देखना चाहो तो आप शक्ति को भी देख सकते हो और अगर देखना चाहो गणपति जी को तो उनको भी देख सकते हो हम इंसान ही नहीं नक्षत्र भी गणपति जी को पहला स्थान दे पूजा अगर करनी है तो वो अपने आप से करो आपको जैसी पूजा आती है वैसी करें मगर श्रद्धा उसमें अच्छी हो गणपति जी की सूढ़ सीधी तरफ हो वो लेना चाहिए या हाँ। उल्टी तरफ हो ये सूर का महत्व तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई इंसान वेद व्यास जी नहीं बन सकता कोई इंसान कुछ और नहीं बन सकता पर वो अपनी कुंडली में नक्षत्र के साथ जरूर कन, अपने आप को कनेक्ट कर पाए रावण इतना मायावी था उसने माँ सीता को अशोक वाटिका में क्यों रखा भगवान अगर आपके साथ है तो आपका लिखा हुआ भी चेंज हो जाता है पर आपको उनके लाना पड़ता साथ रावण रा राम रा कृष्ण कंस ये ही क्यों आप हमारी पौराणिक कथाएं जानें समझें पढ़ें पर उसको पढ़ने के साथ उसको अपने जीवन में कैसे उतारें वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है धर्मा पर आपका स्वागत है मैं हूं आपके साथ चेतना और मेरे साथ हैं इस वक्त आचार्य दीपांशु जी वेलकम नमस्कार नमस्कार दिबांशु जी को पहले भी आप हमारे साथ देख चुके हैं ये हमारे साथ एक जूम के इंटरव्यू के थ्रू मिले थे और उसके बाद हमने कहा कि भाई इंटरव्यू में इतना इतना मज़ा आया और आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पांस दिया हमें कि हमने सोचा हम इन्हें स्टूडियोज में खास बुलाएंगे सो वेलकम टू एबीपी स्टूडियोज सबसे पहले तो मैं आपको भी नमस्कार करूंगा और आपके व्यूअर्स को भी करूंगा और धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे बुलाया और ऐसा मंच दिया जहाँ पर मैं आपके व्यूअर्स को भी कुछ बता सकूँ जो शायद उनको आने वाले जीवन में बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान करें सो so, uh, सबसे पहले तो दीपांशु जी थैंक यू सो मच हमारे जैसे कि मैंने बताया पिछले वाले वीडियोस भी बहुत ही अच्छे थे बहुत मज़ा आया मुझे तो Hello, और अभी जो है शुरू करते हैं आज की जो वीडियो है स्पेशली वो इसलिए है क्योंकि भाई गणपति जो है वो सबके घर में विराजमान है एकदम बढ़िया से जो है अलग अलग घरों पर उनकी कृपा जो है वो बनी हुई है तो ऐसे में आज की वीडियो का श्री गणेश ही हम गणपति से करते हैं वाइल विल गेट इन द इंटरव्यू ऑन द यू नो गिवन टाइम लेकिन उससे पहले गणपति जी का एक मंत्र जो आपके हिसाब से सभी को जानना चाहिए और उसका एक मीनिंग प्लीज बता दीजिए हमें देखिए कोई भी मंत्र छोटा या बड़ा नहीं होता पर गणपति जी क्योंकि सर्वप्रथम है सबसे पहले उनको पूजा जाता है तो मैं ये कहूंगा कि ओम जो मंत्र है उसमें अगर आप देखना चाहो तो शिव जी को भी देख सकते हो उसमें अगर देखना चाहो तो आप शक्ति को भी देख सकते हो और अगर देखना चाहो गणपति जी को तो उनको भी देख सकते हो तो मैं सबसे पहले मैं अपने जीवन में भी और मैं जो जो इंसान मुझसे मिलने आते हैं या मुझसे जुड़े हैं मैं उनको हमेशा ओम का ही उच्चारण बोलता हूँ वैसे गणपति जी के 108 नाम हैं आप किसी भी नाम को उठाएं ओम लगाकर उसका आप उच्चारण करें आप नियमित रूप से आप किसी भी तरह से 108 की अवधि में 108 की नीति में अगर आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा मैं अगर पर्सनली कभी अगर उच्चारण करता हूं ओम गम गणपत नमः मैं इसका उच्चारण करता हूं क्योंकि मेरे कुंडली के हिसाब से ये मेरा मंत्र है और हर इंसान को अपनी कुंडली के हिसाब से मंत्र लेना चाहिए अब आपने कहा कि गणपति जी से शुरू करते हैं तो गणपति जी से शुरू क्यों करते हैं सबको पता है पौराणिक कथा है गणपति जी, जी आ, के साथ की जो जिसकी वजह से सब भगवानों ने उनको पूजा वरदान मिला ठीक है वो सबको पता है पर ज्योतिष में अगर हम देखें कलयुग में हम किसी और युग की बात नहीं करेंगे मगर कलयुग की बात करेंगे और कलयुग में देखें तो गणपति जी को केतु से जोड़ा जाता है ये एक चीज है जो कई सारे लोगों को नहीं पता कि गणपति जो है वो केतु को जो है लेकर आते हैं बिल्कुल केतु जहां पे आता है वहां पे ना गणपति जी की आराधना या पूजा या उपासना या मंत्र या कोई भी यंत्र जो गणपति जी से कनेक्ट है वो बताया जाता है अब अगर हम थोड़ा सा और जाए ना ज्योतिष में तो हम देखेंगे नक्षत्र की श्रेणी जो शुरू होती है हालांकि पहले जो श्रेणी शुरू होती थी वो कृतिका नक्षत्र से होती थी पर आज के युग में जो प्रयोग होता है वो है अश्विनी और अश्विनी किसका नक्षत्र है केतु का नक्षत्र है तो आप कह सकते हैं कि हम इंसान ही नहीं नक्षत्र भी गणपति जी को पहला स्थान दे रहे हैं एब्सोल्युटली <laughs> और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपने हमें बताई अब एक काम करते हैं इसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं देखिए हम इससे पहले ऑफ ऑफकोर्स हम बिहाइंड द सीन्स बात कर रहे थे दीपांशु जी से कि गणपति जो है क्यों वो घर पे एक तो लाए जाते हैं सबसे पहले ठीक है जब उनको आ स्थान जो है लाया जाता है उनकी मूर्ति जो स्थापित की जाती है और उसके बाद जब उनका विसर्जन होता है इसकी बहुत प्यारी स्टोरी जो है वो आप हमें बता रहे थे क्यों ना उससे हम थोड़ा सा शुरुआत करें हाँ स्टोरी आप अगर कहें कि हमारी जो पौराणिक स्टोरियाँ हैं कहानियाँ हैं वो बहुत महत्व रखती हैं और ये जो गणपति जी की जो हम ये दस दिन का जो हम महोत्सव बनाते हैं चतुर्थी से जो शुरू हो चतुर्दशी तक जाता है दस दिन का इसमें वेद व्यास जी की जो कहानी है वो सर्वव्यापक है मतलब सबको पता है जी। पर मैं वो ना बताकर कुछ ऐसी चीज़ बताना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि आपके व्यूअर्स को ज़्यादा पसंद आएगी वो रिलेट कर पाएंगे देखिए सबसे पहले ना स्वाति नक्षत्र जब पड़ता है तब गणपति जी का महोत्सव शुरू होता है ठीक है अब स्वाति नक्षत्र जो है ना वो गणपति जी का जन्म नक्षत्र माना जाता है ठीक है अब उससे एग्जैक्ट दसवां नक्षत्र शतभिशा नक्षत्र पड़ता है ओके इसका इसका मतलब क्या होता है अब मैं बताता हूं नक्षत्रों के ये नाम है बेसिकली तो शतभिशा जो नक्षत्र है दैट इज हंड्रेड तारों मतलब सौ तारों का एक समूह है ओके okay. जिनके देव है वरुण ओके मीन्स पानी राइट 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 तो अल्टीमेटली उस उस नक्षत्र में जो पावर है इन सौ तारों के जो समूह हैं इनकी जो पावर है वो गणपति जी के पास है अच्छा। और इसीलिए आप देखेंगे विसर्जन वाले दिन उनको विसर्जित जो किया जाता है वो जल में किया जाता है क्योंकि उसमें वरुण की पावर है और जो वरुणी योग होता है वो सतवीषा में ही बनता है इसीलिए गणपति जी का विसर्जन किया जाता है और ये एक कारण है मतलब ज्योतिष का एक कारण है देखो कथाएं सबके साथ प्रचलित होती हैं सिर्फ वेदव्यास जी की नहीं बहुत सी और भी कथाएं प्रचलित होंगी पर मुझे लगता है कि उन कथाओं से इंसान रिलेट नहीं कर पाएगा क्योंकि कोई इंसान वेदव्यास जी नहीं बन सकता कोई इंसान कुछ और नहीं बन सकता पर वो अपनी कुंडली में नक्षत्र के साथ जरूर कन, अपने आप को कनेक्ट कर पाएगा तो मेरा हिसाब यह है कि ठीक है आप हमारी पौराणिक कथाएं जाने समझें पढ़ें पर उसको पढ़ने के साथ उसको अपने जीवन में कैसे उतारें वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और विसर्जन से हम एक चीज और समझते हैं दसवें दिन जैसे हम आ, हिंदी में बोले रहे दस्टौन होना बच्चे का राइट कुंडली का पहला भाव जो होता है वो उसका जन्म होता है मतलब लगन और वहां से दसवें पे जाओगे तो कर्म होता है और आपको पता है हमारे हिंदू शास्त्र में जब भी हम सुबह उठते थे तो सर्वप्रथम काम हमारा नहाना धोना ही होता था तो बेसिकली आप ना बहुत सारे ऐसे क्लूज हैं ज्योतिष शास्त्र में जो कि कहे नहीं गए हैं जब आप कभी किसी भागवत गीता में पढ़ेंगे या किसी से सुनेंगे पढ़ने से ज़्यादा सुनेंगे जब कहीं आप गांव में जाएंगे या ऐसे शहरों में जाएंगे जो ज़्यादा मॉडर्न नहीं है वहाँ पे जब आपको भागवत सुनने को मिलती है तो वो भागवत जो सुनाते हैं ना उनके पास कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो आपको पढ़ने से नहीं मिलेंगे तो जो मेरे पिताजी थे उनको जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था और हमेशा कहूंगा क्योंकि मैं कभी भी ये कहते हुए थकता नहीं हूँ कि मुझे आज जितना भी ज्ञान मिला मेरे पिताजी से मिला है। और वो एक ऐसे इंसान थे जिनको रामायण कंठस्थ थी रामायण वो कंठस्थ थी जो कि लिखित में तो है ही है और उसके बिना भी ऐसी चीजें थी जो कि नहीं लिखी और लोगों को नहीं पता जैसे कि मैं बता देता हूं हालांकि इसका कनेक्शन नहीं है बट फिर भी बता देता हूं जैसे एक सवाल उठता है मेरे पिताजी से गांव में एक पंडित जी ने पूछा कि यह बताइए रावण इतना मायावी था सब कुछ था उसके पास लंका थी वो कैसा भी पाता लोग में भी जा उसने मां सीता को अशोक वाटिका में क्यों रखा अब इसका आंसर ढूंढने जाओगे तो रामायण की लिखित में तो आपको शायद अगर पढ़ लोगे बहुत ज्ञानी होगा जिसको बहुत ज्ञान होगा वो तो समझ जाएगा बट जो इंसान नहीं जानता हो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा तो मैं इसका आंसर आपको बिल्कुल एंड में दूंगा जैसे उस दिन दिया था। जी, तो <laughs> हुक जो है वो हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है बैक टू गणपति जी जो है उनके बारे में हम कर रहे हैं बात अच्छा कई लोग जो है गणपति जी की जब बात आती है तो ऐसे भी कहा जाता है कि उनका जो विसर्जन है ना वो जनरली अगर गणपति जी है उनको थोड़ा हिला दिया हमने तो भी उनका विसर्जन हो गया गणपति जी को पानी में अर्पण किया तो उनका विसर्जन हो गया ये जो अलग अलग तरीके के विसर्जन जो लोग कहते हैं कि घर में भी आजकल जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई आपको ना कभी भी प्लास्टिक ऐसे नॉन फ्रेंडली जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो चीजें होती है उनमें गणपति

विलीन का मतलब यहां पे ये नहीं है कि वो बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है नहीं विलीन का मतलब है उसको उसको मोक्ष मिल गया खत्म हो गया वो जी। एक साइकिल पूरा कर लिया हाँ। अभी आप किसी भी चीज का इनिशिएशन करते हैं मतलब शुरुआत करते हैं अगर आप उसका कंप्लीशन नहीं करेंगे तो आपने अधूरा रख दिया ना अब गणपति जी की बात आई तो गणपति जी की मैं जब कोई मुझसे पूछता तो मैं यही बोलता हूं आख एक पौधा होता है लकड़ी होती है उनके अगर बने हुए गणपति जी हैं तो आप विसर्जन भी कर सकते हो और रख भी सकते हो और अगर ये नहीं मिलता है तो मैं तो सीधा बोलता हूं आप एक क्ले लें मिट्टी लें और अपने हाथ से बनाएं कैसे भी बन जाए गणपति जी क्यों क्योंकि रीजन है जब आप अपने हाथ से बनाएंगे तो सबसे पहले उसके साथ कर्म जुड़ेगा ज्योतिष में यह कहा गया है कि आपने भी देखा होगा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आ, सर मेरी जीवन में करियर नहीं चल रहा शादी नहीं हो रही मैं क्या करूं वो कह रहे हैं कि पूजा करवा लो तो वो महंगी सारी पूजा करवाते हैं करने के बाद वो कहते हैं हमारे जीवन में कुछ नहीं और अल्टीमेटली होता क्या है उनको लगता है कि धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है क्योंकि कुछ भी करने से हमें कुछ हो तो रहा नहीं, नहीं। वहां पे गलती उनकी सिर्फ इतनी होती है कि पूजा अगर करनी है तो वो अपने आप से करो आपको जैसी पूजा आती है वैसी करें मगर श्रद्धा उसमें अच्छी हो बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जब मैं उनको बोलता हूँ आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो बोलते हैं कि इतने नाम है एक नाम है मैं कैसे बोल पाऊंगा मुझे गलत हो गया तो मैं उनको सीधा बोलता हूँ आपका गलत हुआ वो पाप मेरे ऊपर आप सिर्फ बोलना शुरू करो और भगवान की देन से आज तक मेरे पे पाप नहीं आया रीजन क्योंकि उनका दिल साफ होता है अगर दिल साफ नहीं है तो आप कितना भी स्पष्ट रूप से बोलेंगे आपके लिए फायदेमंद नहीं और अगर आपका दिल साफ है वो एक कहावत भी है कि किसी ने मरा 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 कहा राम जी प्रकट हो तो कहने का मतलब उसमें क्या था उसमें दिल था ना उनकी 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 एक आत्मा थी एक उनका एक एक शरीर तो इंसान का मैं कह रहा हूं कि पंचभूतों से बनकर किसी ना किसी दिन विलीन किस हो जाएगा पर आत्मा नहीं होगी ना आत्मा तो परमात्मा में जाएगी तो आप अगर आ, कहें अपने व्यूवर्स को तो सिर्फ इतना ही कहें कि प्लास्टिक जैसी चीज वो तो वैसे भी हमारे लिए हानिकारक है तो उसका एक कोई आ, वो, रिलेशन भी नहीं मिलता हमारे शास्त्रों में प्लास्टिक था ही नहीं पहली चीज तो राइट तो जो चीज थी हम हम वेद को फॉलो करते हैं और वो ऐसी चीज नहीं है कि वो सदियों पहले लिखा है तो हमारे इस काल में उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ऐसा नहीं है भविष्य पुराण में बहुत सी चीजें हैं जो कि हमारे आज की चीजों में मिल रही हैं बहुत सी चीजें हैं तो हमें यह मान के चलना चाहिए कि जिसमें आपको पंच तत्व मिले वो ही आपको करना चाहिए सो so, जहां हमने ये रिसाइकलेबल गणपति जो है उनके बारे में बात करी अच्छा गणपति जो है हम हम ये बात कर रहे थे कि जैसे दसवें दश, दिन जो है उनको हम जाने देते हैं तो ऐसे में उसी दिन आती है अनंत चतुर्दशी भी

गुरु जी की जो धर्मपत्नी थी जी। तारा जी। उनका और चंद्रदेव का जी। मिलन हुआ था राइट, राइट। और वो जब मिलन हुआ था तो वो अमावस वाले दिन उन दोनों के बीच में मीटिंग हुई थी यानी संभोग हुआ था और प्रतिपदा जब थी ना तो उनका एक नाजायज पुत्र पैदा हुआ था जिसको कि बुद्ध कहते हैं जी अब क्या होता है अब इसमें एक चीज बताता हूं लोग बहुत पढ़ते हैं कि अमावस्या को बर्थ है तो मैं क्या शापित हो गई हूं या हो गया हूं पूर्णमाशी को पैदा तो क्या मैं मुझे वरदान मिल गया है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक तो मेरा जो टॉपिक है वो गूगल पे रहता है तो मैंने उसमें यही बताया है कि क्या कॉन्सेप्ट अमावस्या का है और क्या पूर्णमाशी का है बट पूर्णमाशी का एक कॉन्सेप्ट मैंने शायद नहीं लिखा मुझे नहीं याद बट मैं बताना चाहूँगा कि अमावस्या वाले दिन अगर कोई लड़की पैदा होती है तो उसके साथ एक योग जुड़ जाता है कि वो औरत 99% नाइन माँ ज़रूर बनेगी उसको माँ बनने से कोई रोक नहीं सकता मतलब आज के ज़माने में बहुत लेडीज़ का ये कंप्लेंट है कि हाँ। हम माँ नहीं बन पा रहे या हम हम हाँ इश्यूज आ रहे हैं मगर उसका हंड्रेड एंड नाइन मतलब नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन नाइन परसेंट हंड्रेड तो भगवान है नाइन्टी नाइन नाइन परसेंट वो जरूर कंसीव करती है और बेबी बर्थ यानी कि उसको मदरहुड जरूर मिलता है मतलब उसको माता का सुख जरूर मिलता है बट अब यहाँ पे क्लॉज आ जाता है कि अगर वहाँ पे दृष्टि पाप की आ जाती है उसकी तिथि के हिसाब से अगर आ, कुंडली में कुछ ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं तो वो ये भी हो जाता है कभी आपने देखा होगा शायद सेलिब्रिटीज में होता है वो ज़्यादातर कि शादी से पहले ही उनका वो हो जाता है आ, मतलब प्रेग्नेंसी हो जाती है हाँ कंसीव कर जाती हैं तो ये चीज़ भी होती है और तो कई बार ये बहुत क्रिटिकल टॉपिक है हम सबको ये समझना चाहिए कि ऐसी लड़कियां वो लड़कियां भी होती हैं जिनके साथ दुष्कर्म होते हैं और उनको मतलब अपने जीवन में इतना कुछ सहना पड़ता है तो कहने का मतलब इसीलिए वो शापित है एक योग है पर शापित भी है तो आप ये मान के चलो तो अनंत चतुर्दशी बेसिकली अनंत का मतलब क्या है जिसका कोई अंत नहीं है आप ये मान के चले हाँ। और चतुर्दशी का होना और उस दिन विसर्जन करना का मतलब ये कि आपके जितने भी पाप हैं या जितनी भी आपकी कोई आ, मतलब आपके ऊपर जो हानि आ रही है या आपके ऊपर कोई नेगेटिव पावर्स आ रही हैं आप उसको विसर्जित कर दो गणपति इसीलिए गणपति जी को विलीन करना अच्छा होता है क्योंकि कहते हैं ना कि अगर भगवान अगर आपके साथ है तो आपका लिखा हुआ भी चेंज हो जाता है पर आपको उनके लाना पड़ता साथ तो ये मैं मान के चलता हूं इस दिन आपको जरूर करना चाहिए ना सिर्फ अनंत चतुर्दशी कोई भी चतुर्दशी जो कृष्ण पक्ष में मतलब अंधियारा पाक में है उसमें जरूर करें तभी बहुत सारे आपने देखा होगा लेडीज ना इस टाइम पे व्रत भी करती हैं और उस टाइम पे व्रत करना सबसे ज्यादा बहुत पावरफुल है क्योंकि वो वो टाइम ही ऐसा होता है कि जब कंसीविंग का टाइम होता है तो बेसिकली अगर कोई कर लेता है तो उन जिन भी माओ को वो नहीं प्राप्त हो रहे हैं पुत्र या पुत्री का इसमें कोई भेद नहीं है मतलब जिनको संतान संदार नहीं है व्रत करें और फिर आप चाहे तो चेतना जी को बताएं चाहे मुझे बताएं <laughs> नीचे कमेंट सेक्शन में हमें लेकर जरूर <laughs> बताएं अच्छा जब हम बात करें विसर्जन की एक चीज या एक कोई ऐसा पॉइंट जो हर किसी को ध्यान रखना चाहिए जब वो गणपति को विसर्जित कर रहे हैं देखो सबसे पहला तो पॉइंट यही होगा कि जो भी वो करें मन से करें दिल से करें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो हिल गए डुल गए हाँ। है ना <laughs> वो विसर्जन हो गया ऐसा नहीं है हाँ। विसर्जन करने का मतलब उनको आपने विसर्जित कर दिया विलीन कर दिया हाँ। ठीक है और सही रूप से कर दिया उनको आप छोटा बनाएं गणपति जी और विसर्ज... क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े जो गणपति जी बनते हैं तो लोग उसमें जाते हैं लोगों को बहुत दिक्कतें भी आती हैं तो उस केस में क्या होता है काफी लोगों का यह भी मानना आ जाता है कि यार इतनी भीड़ है इतना सब कुछ है मगर हम गए थे गणपति जी के विसर्जन में चोट खा के आ गए तो वो तो मेरा मान के ये चलना है कि आप अगर लाइफ में विसर्जन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आप गणपति जी के लिए एकग्रत हो जाएं और उसके बाद जब आप विलीन करें तो गणपति जी से सिर्फ एक ही चीज़ बोलें कि गणपति जी आप मेरी कुंडली में जहाँ बैठे हो ना वहाँ से आप कोई भी चीज़ों से जो दो अपनी चीज़ों से छुटकारा दिलाते हो ना वो छुटकारा जो मेरे लिए अच्छा नहीं है उससे छुटकारा दिलाएं और जो मेरे लिए अच्छा है उनसे मुझे जोड़ें क्योंकि केतु जो है वो कुंडली में हमें दूसरी चीजों से सेपरेट करता है दूसरी हाँ। चीजें चाहे वो आपकी अपनी है चाहे वो पराई है पराई है राइट तो अब इसमें एक क्लॉज और आ गया आपने बोला कि ये शायद सवाल आया भी होगा आपको कि गणपति जी की सूड सीधी तरफ हो वो लेना चाहिए हाँ। या उल्टी तरफ ये 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 कैसी चीज है जो कई सारे लोग है। जो है वो कहते हैं अच्छा कंफ्यूजन जो सवाल होते हैं ना वो अलग अलग तरीके के और बिल्कुल ही मतलब अचंभित करने वाले होते हैं आई गेट काइंड ऑफ कोई कहता है कि यू you नो know, अगर सूंड एक तरफ होती है तो फिर वो तंत्र के लिए इस्तेमाल होते हैं कोई कहता है एक तरफ होती है तो उनको प्लीज करना बड़ा मुश्किल है कोई कहता है कि यू you नो know, ऐसे गणपति अगर आप लेकर आते हैं तो इससे आपके घर में परेशानी आ जाएगी बहुत सारी ऐसी अलग अलग जो यू नो अटकलें हैं लोग लगाते रहते हैं तो ऐसे में

Uh, इसके ऊपर कोई लेख नहीं मिलेगा पर ज्योतिष के जो भी विद्यार्थी हैं या जो अध्यापक हैं या उसके पढ़ने वाले रोचक या रोचक लोग हैं जो पढ़ने में इच्छा भी रखते हैं उनको सिर्फ इतना करना है अपनी कुंडली खोलनी है पहले से सातवें भाव यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ये हमारा इनविजिबल पार्ट है ये पार्ट में अगर ज्यादा ग्रह हैं तो हमें लेफ्ट सूढ़ वाले गणपति जी लेके आने रीजन एक दो तीन चार पांच साइड है तो सात की डिग्री पंद्रह डिग्री के बाहर अगर उसमें ज्यादा ग्रह हैं तो ऑब्वियसली आपको राइट लेना है फिर भी लोग ना ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि कुंडली पढ़ना सबको नहीं आता विच इज वेरी वेरी ट्रू तो ऐसे में सिग्निफिकेंस क्या हुआ इसके लिए बेसिकली so अगर किसी भी आपके व्यूवर्स को या किसी को भी ज्योतिष में यह नहीं पता कि कितने ग्रह कितने घर में आ रहे हैं और किस जगह पे आ रहे हैं तो सिंपली करना क्या है उसको केतु देखना केतु पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा और सातवें तक अगर है तो सिंपल समझ लेना राइट साइड पे है और उसका लेफ्ट साइड ले लें right. बैलेंस करना है right. अल्टीमेटली आपको इस सूड का मतलब सिर्फ इतना समझना है कि वो बैलेंस करेगा बैलेंस आप ये मान के चलें कि ये जो सूढ़ है गणपति जी की ये बहुत प्रोमिनेंट है क्यों रीज़न इसका रीज़न ये है कि गणपति जी को उनके शरीर के किसी और अंग से नहीं जाना जाता उनके मुख से जाना जाता है करेक्ट और तो मुख हाँ। में यस और वो वो जो मुख है उसमें भी सूढ़ जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है इसीलिए ये बहुत सारे लोगों का बहुत सवाल रहता है कि हम क्या करें वो करें तंत्र से करें या वो मंत्र से करें या कुछ करें ठीक है उसको आप जोड़ना चाहो जोड़ दो पर तंत्र के लिए हमेशा आप यह माने जो तत्व यूज होता है वो होता है आ, तामसिक राइट right, राइट right, right, right? right, right, right. अब उसमें भी आप घोर जब तामसिक लेते हो hmm. वो होती है काली विद्या जी. और उसी काली विद्या को काटने के लिए जब तामस यूज किया जाता है तो वो आप कह सकते हो बहुत सारे अंग्रेज लोग तो शायद व्हाइट मैजिक बोलते हैं बट व्हाइट <laughs> व्हाइट मैजिक नाम की कोई चीज नहीं होती ब्लैक एंड व्हाइट कुछ नहीं है तो वो जो तंत्र है क्योंकि आप कहते हैं ना जहर को जहर काटता है वैसा ही क्योंकि अगर आप देखेंगे तंत्र को तो हमारे तंत्र की सबसे बड़ी अगर मैं जगह बोलूं तो हमारे आ, देश में में असम गुवाहाटी में ही कमाख्या माँ का जो जी, जी, जो जी, स्थान जी, है जी। वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट सबसे ज्यादा ऊर्जावान है और अगर वहां पे कोई भी ब्लैक मैजिक का कुछ आता है तो वो चीज उससे कट जाती है क्योंकि हमने कामाख्या मंदिर की भी बात कर ली तो ऐसे में मुझे सडनली याद आया नॉट रिलेटेड बट सडनली मुझे याद आया कि देखिए हमने शुरुआत में हमारा जो इंटरव्यू तब हमने शुरू किया था और आपने तब बताया था कि आप हमें बताएंगे क्यों रावण ने सीता जी को अशोक वाटिका में रखा था इसका जवाब आप हमें बताएंगे uh, इंटरव्यू का ऑलमोस्ट एंड आ चुका है मैं चाहती हूँ कि ये जो आपने हमें बताया ना आई एम रियली क्यूरियस टू नो नोकि क्यों था रावण मैं रावण को मैं रावण ना बोल के श्री रावण इसलिए बोलूंगा क्योंकि मुझे ना जब मेरे पिताजी ने कुछ ऐसी चीज़ें बताई रावण के बारे में तो मुझे लगा कि शायद ये संबोधन सही होगा कि श्री लगाना रीज़न वैसे भी हिंदू धर्म में हम अपने से बड़े को श्री लगा के ही संबोधित करते हैं तो वो तो हमसे बड़े नहीं वो तो हमारे पूर्वज हो गए एक तरीके से मतलब ऐसे काल में पैदा ऐसे युग में पैदा हुए जब हम सोच भी नहीं सकते थे तो रावण की ना एक जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगती थी वो ये थी कि उन्होंने सबसे पहले विरोधी भक्ति का कॉन्सेप्ट शुरू किया okay. विरोधी भक्ति क्या है अब मैं बताता हूं विरोधी भक्ति का मतलब यह होता है कि आप जैसे मैं अगर आपसे किसी भी तरीके से भक्ति करता हूं hmm. आप मेरे सामने नहीं आओगे मैं आपको पूजा करूंगा प्रार्थना करूंगा आप नहीं आओगे बट अगर मैं आपके साथ विरोध कर दूं तो आप झट से आ जाओगे फॉर एग्जाम्पल आपको समझा देता हूं अगर कोई इंसान कोई किसी को प्यार करता है hmm. तो दिन में वो दस बार बोलेगा आई लव यू आई लव यू आई लव यू पर कोई किसी से नफरत करता है ना वो दिन में दस बार नहीं बोलेगा उसको हजार बार बोलेगा हेट it's, it's, it's like हो yes. तो होता क्या है रीजन क्या है तो विरोधी भक्ति में हुआ क्या कि भगवान नारायण जब विष्णु भगवान के अवतार श्री राम जी मतलब उनसे जब रावण को अपना पूरा अपना नहीं सिर्फ पूरा कुल पूरे योनी उनको जब उससे मोक्ष दिलवाना था करने के लिए रावण को क्या था रावण खुद भगवान श्री राम जी के हाथ से मर जाते मर जाते और वो मोक्ष को पर, आ, मिल जाते पर उन्होंने क्या किया उन्होंने ना पूरा राक्षस कुल पूरा योनी को तारा ठीक है रोनी योनी को जब तारा है तो उसके पीछे का कारण यही था कि उन्होंने विरोधी भक्ति के लिए अशोक वाटिका में रखा अब अशोक वाटिका में क्यों रखा था रीजन अशोक वाटिका ओपन थी जी। खुली थी जी। अगर वो वो इतना विचित्र इतना मायावी था वो ऐसी जगह पे रखता ना कोई नहीं ढूंढ पाता तो उनका क्या था जैसे कहते ना अगर मैं चाहता हूं कि आप मुझे आके पकड़ो आज के आज के क्रिमिनल क्या करते हैं पकड़वाने के लिए सरेंडर करने के लिए किसी को मुखबरी करवा देते हैं और वो पकड़ लेता और कहता कि हाँ मैं पकड़ा गया तो उस टाइम पे ये विरोधी भक्ति जो रावण ने समझी उसी लिए उन्होंने माँ सीता को अशोक वाटिका में रखा ताकि जब बजरंग उनकी सर्च में आए उनके ढूंढने में आए तो वो आसानी से मिल जाए अगर किसी भी तरीके से कठिन करना था तो रावण कर सकता था वरना जब जब समुद्र के पास भगवान श्री राम जी ने शिव जी का मतलब स्वाम्भु स्थापना की तो रावण जी ही तो आए थे तो मैं ये बहुत सारे लोग मुझसे शायद नहीं रखेंगे वास्ता कहेंगे श्री रावण क्यों बोल रहे हो वो तो ये थे वो थे पर आप एक चीज समझ लीजिए इस धरती पे इस इस ब्रह्मांड में अगर कुछ भी होता है तो वो नारायण के नाम से ही होता है उनके उंगली उठाने से ही होता है तो रावण ने जो किया क्या राम जी को पता नहीं था क्या राम जी में इतना दम नहीं था कि राम जी माँ सीता जी को लेके आ सकते थे और माँ सीता तो कभी वो हुई नहीं उन्होंने उनको पकड़ा ही नहीं उनका तो उनका तो एक परछाई थी समझ लो तो ये सब लीला थी अब इस लीला में ये जो विरोधी भक्ति था ना ये इंपॉर्टेंट था और इसीलिए रावण ने अशोक वाटिका में रखा और एक चीज समझने की जरूरत है यहां पे ज्योतिष का काम आता है रावण रा राम रा कृष्ण और कंस क ही क्यों इसका कारण ये है कि ये ब्रह्मांड की नीति है एक चीज हमेशा याद रखें ये ब्रह्मांड की नीति है जो जिसके बराबर का होगा ना हाँ। वो उसी से टल उसी पाए उसी से टल पाएगा, पाएगा। रावण को ना अगर मैं छंदी शेद करूं बहुत सारे नाम बहुत सारे आपको आएंगे पर मेरे पिताजी ने मुझे एक चीज बताई थी रावण अगर आप इसको थोड़ा सा समझे ना तो रावरण राम के वर्ण जैसा अब मुझे बताएं राम से टकराने वाला रावण ही तो था इसीलिए तो उन्हीं के हिसाब से आया वरना राम राम जी से कौन टकरा सकता था तो बेसिकली रावण के ना बहुत सारे नाम अगर आप उसकी आ, मतलब परिभाषाएं निकाल पाए उनका किसी भी शब्दकोश में जाके उनको ढूंढ पाएं आपको मिलेगा पर ये जो जो रिलेशन मेरे पिताजी ने मुझे बताया था मुझे लगा कि ये सबसे ज्यादा सटीक था क्योंकि ये मुझे जस्टिफाई कर रहा था कि एक विद्वान एक ब्रह्म योनि से एक राक्षस योनि क्योंकि उनकी जो माता थी केकसी वो राक्षस योनि ठीक है तो ब्रह्म की योनि और राक्षस की योनि को मिक्स करके उनका जो एक वो एक हाइब्रिड बना था ना वो एक बहुत सॉलिड चीज़ था तो मेरा ये मानना बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग कंक्रीट मेरा डिसीजन बना और इसीलिए अशोक वाटिका वाला जो कॉन्सेप्ट था मैंने आपको बताया और मुझे तो तो अभी -अभी आचार्य दीपांशु जी ने बताया कैसा लगा आपको हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए मगर यही नहीं इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत कुछ है, ऐसी बहुत सारी वीडियोस है जो हम आपके लिए खास लेकर आने वाले हैं तो उन सारी वीडियोस के लिए और आचार्य दीपांशु जी को धर्म लाइफ पर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए धर्मा लाइव नमस्कार